में वो पुराने जीन्स अवेलेबल हैं। यस, अभी भी हॉस्पिटल में कई माएं ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जिनको छोटी सी टेल निकल जाती है जीन्स के वजह से, पहनने वाला जीन्स नहीं, जो एंचेस्टर से हम में जो जीन्स आ रहा है डीएनए, दैट इज कॉल्ड जीन्स। तो मॉन्की हैव टेल्स, एप हैव नो टेल्स। तो पहला एप है चिंपैंजी, गोरिल्ला, इनको पूंछ नहीं होती, इनकी पूंछ की जगह पर ठूंठ होती है। ठूंठ मतलब वहां कोई बाल नहीं है। एप में से एक एप की प्रजाति जो अब लुप्त हो गई, नहीं पाई जाती, दैट इज कॉल्ड हनुमान। डोंट बी हिंदू एंड मुसलमान, ओनली बी हनुमान। हनु मीन्स बंदर, मान मीन मनुष्य। वैसे एप जिनके किसी एक ब्रीड से हमारा एंचेस्टर बना और वह एप अब नहीं है, अब उसके एवज में हम अपना माइग्रेशन करके यहां तक आ गए हैं। लेकिन बाकी एप या मॉन्कीज एज इट इज अलाइव हैं, क्योंकि वह विकास नहीं कर सके। विकास के लिए जो डीएनए उन एप्स में थे वो बाकी मॉन्कीज और एप्स में नहीं पाए जाते हैं। नाउ इज इट क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत? सो हनुमान इज नॉट ए बंदर, हनुमान इज अ ब्रीड और ए जीन्स टाइप मॉन्कीज हु हैव द कैपेबिलिटी टू जनरलाइज्ड या जनरेशन अपने आगे बढ़ा सके। और इस जनरेशन को करने के लिए बाकायदा एक स्टोरी है जो लगभग 1.5 घंटे की स्टोरी है, मुझे 1 घंटा चाहिए। मैं इस पूरे इतिहास को, आपके पूरे हिस्ट्री को 1 घंटे में स्टोरी में सुना दूँ, आपका पूरा SST खत्म हो जाए, SST खत्म हो जाए, उतना लंबा टाइम दे, मेरा कंप्यूटर क्या पढ़ाएगा रे। खैर, इस जनरेशन को मैं समझा देता हूँ, मैं जनरेशन को समझा देता हूँ। 90% स्पीसीज अफ्रीकन कंट्रीज से निकली है, और आज भी अमेजोन नदी जो अफ्रीकन कंट्रीज में है बहुत बड़ी है, अमेरिका से 4 गुना बड़ी रेन फॉरेस्ट। बारिश की बूंद को जमीन में पहुंचने के लिए 3 मिनट का समय लगता है, इतना पेड़ है। मतलब बारिश की बूंद, तो हमारे यहाँ बारिश की बूंद जमीन में टच करने के लिए क्या उसको टाइम लगता है कि सबसे पहले जमीने में पड़ता है, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं है। लेकिन अमेजोन में बारिश की बूंद जमीन पर टच करेगी तो 3 से 4 मिनट का समय लगता है, इतना ज्यादा घना है जंगल वो।